समस्तंकु शुभ दिन। कंप्यूटर शिक्षा को सहयोग करिछंती एबे पर्यंत तुमे व्यू मेनू रो समस्त ऑप्शन गुड़ी का विषय रे सिखि गल। वर्तमान तुमे अन्य मेनू गुड़ी करो एडवांस ऑप्शन गुड़ी का विषय रे सिखिबो। आजिरो क्लास आरंभ करिबा पूर्वरु आसो तुमे पूर्व क्लास रे कौन सबु सिखिथिलो तहार अभ्यास करिनेबा। कौन तुमे कहि परिबो केउ कैरेक्टर गुड़ी को तुमे बैक स्पेस किंबा डिलीट की रो व्यवहार करी हटाई परिबो नाही। एही सबु कैरेक्टर गुड़ी को नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर कुहा जाई थाए एवं जत्ते बेले तुमे तुमरो डॉक्यूमेंट को प्रिंट करिबो एही कैरेक्टर गुड़ी को देखाई परिबो किंतु एही सबु कैरेक्टर गुड़ी को प्रिंट हेबो नाही। कौन तुमे कहि परिबो आमे फील्ड नेम रो सेटिंग को केमिति हटाई परिबा। फील्ड नेम रो व्यवहार करी जत्ते बेले तुमे डेट टाइम ऑथर इत्यादि को तुमरा पेज रे इंसर्ट करिबो सेते बेले एथिरे सेटिंग रही थाए एवं तुमको सेटिंग हटाइबा पई फील्ड सेटिंग ऑप्शन करिबा को हेबो। कौन तुमे कहि परिबो फील्ड सेटिंग ऑप्शन को तुमे केउ मेनू रे पाई परिबो। फील्ड सेटिंग ऑप्शन व्यू मेनू रो भाग अटे। कौन तुमे जानी छो चेंज ऑप्शन द्वारा कौन होई थाए। चेंज ऑप्शन रो व्यवहार करी तुम डॉक्यूमेंट रे होई थिबा जे कोनसी परिवर्तन गुड़ी को तुमे देखि परिबो। जदी सेथिरे केही किछि परिवर्तन करि थांती तेबे ताहा को देखि परिबो एवं सेही गुड़ी को अलगा फॉर्मेट रे देखा जिवो। वर्तमान तुमे तुमरो कंप्यूटर रो स्विच ऑन करो एवं तुमरो राइटर फाइल को ओपन करो। आसो एबे आजिरो क्लास आरंभ करिबा। आसो देखिबा आजि तुमे कोन सिखिबो। आजिरो क्लास रे तुमे इंसर्ट मेनू एवं फॉर्मेट मेनू रो किछि ऑप्शन गुड़ी को विषय रे सिखिबो। सेही गुड़ी को हेउछि फॉर्मेटिंग मार्क सेक्शन फुट नोट एवं एंड नोट कैप्शन टेक्स्ट फ्रेम होराइजोंटल रूलर फाइल्स मूवी एवं साउंड सेक्शन ऑटो करेक्ट अलाइनमेंट अरेंज फ्लिप एवं ग्रुप विषय रे सिखिबो। वर्तमान तुमको आगरे देखा जाइथिबा पैराग्राफ को टाइप करो। कोन तुमे माने समस्ते दिया जाइथिबा पैराग्राफ को टाइप करि देलो कि। वर्तमान तुमे इंसर्ट मेनू रो सेक्शन ऑप्शन विषय रे सिखिबो। सेक्शन ऑप्शन रो व्यवहार करी तुमे तुमरा पैराग्राफ किंबा लाइन को गोटिए सेक्शन को भाग करि परिबो माने ताहा को गोटिए टेक्स्ट बॉक्स रे पाई परिबो। सही गुड़ी को बॉक्स को आनिबा व्यतीत तुमे लाइन किंबा पैराग्राफ को कॉलम को भाग करि परिबो एवं तुमे मध्य इंडेंट किंबा मार्जिन लगाई परिबो एवं तुमे एही टेक्स्ट रो बैकग्राउंड कलर को मध्य बदलाई परिबो। आसो वर्तमान सेक्शन ऑप्शन रो व्यवहार किपरि करा जाय ता विषय रे अधिक सिखिबा पई एही वीडियो को देखिबा। वर्तमान आमे सेक्शन ऑप्शन रो व्यवहार सिखिबा। एथि पई प्रथमे तुमे तुमरो लाइन किंबा पैराग्राफ को सिलेक्ट करो जेउथिरे तुमे सेक्शन अप्लाई करिया पई चाहू छो। एभळि भाबरे प्रथमे याकु सिलेक्ट करो जेउभळि वीडियो रे देखि परछो। एहा परे तुमरो कर्सर को
इनसर्ट मेनू को नहीं क्लिक कर तापरे एजर थिबा सेक्शन ऑप्शन उपरे गोटे थर क्लिक कर एहा द्वारा तुम आगरे गोटे बॉक्स ओपन हेबो जो भले तुम्हें वीडियो रे देखि पारुछ एठारे विभिन्न प्रकार ऑप्शन थिबार तुम्हें देखि पारिबो एबे एठारे गोटे सेक्शन रो नाम दियो जहाँ तुम्हें तैयारी करिया पे चाहुछ जो भले वीडियो रे एठारे सी एस टाइप करा दै छी एहा परे परवर्ती ऑप्शन एठारे कॉलम ऑप्शन को सिलेक्ट कर एठारे तुम्हें देखि पारिबो विभिन्न प्रकार ऑप्शन रही छी एठारे तुम्हें जेकोणसी गोटे ऑप्शन को बाछि पारिबो जो भले वर्तमान एठारे टू कॉलम्स विथ इक्वल साइज या को सिलेक्ट करा दै छी या पर एठारे सेपरेटर लाइन अर्थात दुईटी कॉलम मध्य रे जो गार दे तुम्हें सेपरेट करिबो ता गोटे सिलेक्ट करि परिबो केते थिकनेस रे चाहू छो एवं एठार तुम्हें हाइट मध्य सिलेक्ट करि परिबो अप किंबा डाउन एरो की को प्रेस करी या परे तुम्हें इंडेंट ऊपर क्लिक कर एठार तुम्हें देखि परिबो बिफोर सेक्शन रही छी एठारे अप एरो की को व्यवहार करी तुम्हें तुम्हारो मार्जिन एवं टेक्स्ट मध्य रे स्पेस दे परिबो एवं आफ्टर सेक्शन मध्य रे तुम्हें एठारे अप एरो की को व्यवहार करी एठार मध्य टेक्स्ट रो डाहाण पाखरे एवं मार्जिन मध्य रे स्पेस दे परिबो एहा परे बैकग्राउंड ऑप्शन को क्लिक कर एठार तुम्हें बैकग्राउंड कलर को मध्य चेंज करि परिबो एठार तुम इच्छा अनुसार गोटे कलर को बाछ जो भले वीडियो रे देखा जाय छी कलर तुम्हें प्रीव्यू रे मध्य देखि परिबो तुम्हें एठार इनसर्ट उपरे क्लिक कर या द्वारा तुम्हें देखि परिबो तुम्हें जो फॉर्मेटिंग करथिलो ता एठार आसी जाय छी जो भले तुम्हें वीडियो रे देखि पारु छो एई भली भाबरे तुम्हें सेक्शन ऑप्शन रो व्यवहार करि परिबो आसो वर्तमान इनसर्ट मेनू रो फुट नोट एवं एंड नोट विषय रे सिखिबा कोन तुम्हें कहि परिबो फुट नोट एवं एंड नोट रो व्यवहार कोन फुट नोट गोटे लिंक भली काम करी थाए जेते बले तुम्हें गोटे फुट नोट लगाइबो सेते बले एहा पेज रो तले आसी जिवो जेउठारे तुम्हें फुट नोट लिंक करिबो जहा को व्यवहार करी तुम्हें सीधा सळख फुट नोट पाई परिबो सेही परी एंड नोट रे तुम्हें प्रत्येक पेज बदल रे तुम्हें ताकु शेष पेज रे देखि परिबो फुट नोट एवं एंड नोट रो व्यवहार विषय रे अधिक जानिबा पई आसो एही वीडियो को देखिबा वर्तमान आमे फुट नोट एवं एंड नोट रो व्यवहार करिबा एथि पई तुम्हें तुम्हारा फाइल ले जो जगह रे तुम्हें फुट नोट लगाया पई चाहौछ किमा एंड नोट लगाया पई चाहौछ सेठे कर्सर रखी ओपन ब्रैकेट एवं क्लोज ब्रैकेट दियो एवं ताहा मझिरे तुम्हारा कर्सर को रख तापरे इनसर्ट मेनू को जाओ एवं तापरे एठार थिबा फुट नोट एवं एंड नोट ऑप्शन को क्लिक करो तुम आगर गोटे बॉक्स ओपन हेबो जो भली वीडियो रे देखा जाय छी एठे तुम्हें देखि परबो दुईटी ऑप्शन रही छी नंबरिंग एतिर ऑटोमेटिक एवं कैरेक्टर रही छी एवं तळे एटारे टाइप रही छी फुट नोट एवं एंड नोट रो एबे ओके उपरे क्लिक करो तुम्हें देखि परिबो एबे एठारे तुम्हें देथिबा ब्रैकेट रे गोटे नंबर इनसर्ट हो जाइ छी एवं एहा उपरे तुम्हें एतले तुम्हार कर्सर रखुछ एटी गोटे हाथर चिन्ह आसुछि एवं क्लिक कले एहा तुम पेज रो फुट नोट पाख को नै जिवो जेउठारे नंबर एक लेखा जाइ छी एवं किछि टाइप करिया पई रही छी एठारे तुम्हें तुम्हारा फुट नोट टाइप करि परिबो जो भली वीडियो रे इठारे टाइप करा जाय छी एबली भाबरे इठारे तुम्हें किछि तुम्हारा फुट नोट टाइप करि परिबो एबली भाबरे इठारे तुम्हें टाइप करि परिबो
ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଉପରେ ଦେଇଥିବା ଫୁଟନୋଟ୍ ପାଖକୁ ତୁମର କର୍ସର ନେଇ କ୍ଲିକ୍ କରିବ ଏହା ତୁମକୁ ସିଧାସଳଖ ତୁମେ ଟାଇପ୍ କରିଥିବା ଫୁଟନୋଟ୍ ପାଖକୁ ନେଇଯିବ ଏବେ ସେହିପରି ଏଣ୍ଡ ନୋଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଏଇଠାରେ ତୁମର କର୍ସରକୁ ରଖି ପୁନର୍ବାର ଆଉଥରେ ଓପନ୍ ବ୍ରାକେଟ୍ ଏବଂ କ୍ଲୋଜ୍ ବ୍ରାକେଟ୍ ଦିଅ ଏବଂ ଏହାର ମଝିରେ ତୁମର କର୍ସର ରଖ ତାପରେ ପୁନର୍ବାର ଇନସର୍ଟ ମେନୁକୁ ଯାଇ ଗୋଟିଏ ଥର କ୍ଲିକ୍ କର ଏହାପରେ ଫୁଟ୍ ନଟ୍ ଏବଂ ଏଣ୍ଡ ନଟ୍ ଅପ୍ସନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କର ଏବେ ଏଠାରେ ନମ୍ବରିଂ ଜାଗାରେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଅପ୍ସନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କର ଏବଂ ଏଇଠାରେ ତୁମେ କିଛି କ୍ୟାରେକ୍ଟର କିମ୍ବା ସିମ୍ବଲ ଦେଇପାରିବ ଏଇଠାରେ ଯେକୌଣସି ସିମ୍ବଲ ଷ୍ଟାର ହ୍ୟାଚ୍ କିଛି ବି ତୁମେ ଟାଇପ୍ କରିପାରିବ ଯେଉଁଭଳି ଏଠାରେ ଷ୍ଟାର ଟାଇପ୍ କରାଯାଇଛି ଏବେ ତାପରେ ଏଇଠାରେ ଟାଇପ୍ରେ ଏଣ୍ଡ ନଟ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କର ଏହାପରେ ଓକେ ବଟନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କର ଏବେ ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ ଏହା ତୁମକୁ ସିଧାସଳଖ ଏଣ୍ଡ ନଟ୍ ପାଖକୁ ନେଇଗଲା ଏବଂ ଏଇଠାରେ ବ୍ରେକେଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ଷ୍ଟାର ଆସିଯାଇଛି ଏଇଠାରେ ତୁମେ ପେଜ୍ର ତଳେ ଏଠାରେ ଏଣ୍ଡ ନଟ୍ ଟାଇପ୍ କରିପାରିବ କିଛି ତୁମର ନଟ୍ ଲେଖିପାରିବ ଯେଉଁଭଳି ଭିଡ଼ିଓରେ ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ ଏଠାରେ ଷ୍ଟାର ସିମ୍ବଲ ରହିଛି ଏବଂ କିଛି ଟାଇପ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏଠାରେ ଆସୁଛି ଏଇଠାରେ ତୁମେ ତାହାକୁ ଟାଇପ୍ କରିପାରିବ ତୁମର ଏଣ୍ଡ ନଟ୍ ହିସାବରେ ଏଭଳି ଭାବରେ ଏଠାରେ କିଛି ଟେକ୍ସଟ ଟାଇପ୍ କରିପାରିବ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ତୁମର କର୍ସରକୁ ଏଣ୍ଡ ନଟ୍ ପାଖକୁ ନେବ ଷ୍ଟାର କିମ୍ବା ଫୁଟ୍ ନଟ୍ ପାଖକୁ ନେବ ନମ୍ବର ଯେଉଁଠି ଲେଖାଯାଇଛି ବ୍ରାକେଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ଏଠାରେ ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ ଗୋଟେ ହାତର ଚିହ୍ନ ଆସୁଛି ଏବଂ ଏଠାରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଏହା ତୁମକୁ ସିଧାସଳଖ ଫୁଟ୍ ନଟ୍ କିମ୍ବା ଏଣ୍ଡ ନଟ୍ ପାଖକୁ ନେଇଯିବ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ତୁମେ ଫୁଟ୍ ନଟ୍ ଏବଂ ଏଣ୍ଡ ନଟ୍ ଅପ୍ସନ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବ ଆସ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ୟାପ୍ସନ୍ ଅପ୍ସନ୍ ବିଷୟରେ ଶିଖିବା କ'ଣ ତୁମେ କହିପାରିବ କ୍ୟାପ୍ସନ୍ ଅପ୍ସନ୍ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୋଇଥାଏ କ୍ୟାପ୍ସନ୍ ଅପ୍ସନ୍ କେବଳ ଲଗାଯାଇଥାଏ ଇମେଜ୍ ଗ୍ରାଫିକ୍ସ କିମ୍ବା ଡ୍ରଇଂ ଇତ୍ୟାଦିରେ କ୍ୟାପ୍ସନ୍ର ବ୍ୟବହାର କରି ତୁମର ଚିତ୍ର ବିଷୟରେ ତୁମ ମନରୁ କିଛି ଟେକ୍ସଟ କିମ୍ବା ବିଷୟବସ୍ତୁ ଲେଖିପାରିବ ଯାହାକି ଗୋଟିଏ ବକ୍ସ ଭିତରେ ଆସିବ ଆସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିବା ଏବଂ କ୍ୟାପ୍ସନ୍ ଅପ୍ସନ୍ର ବ୍ୟବହାର କେମିତି କରାଯାଏ ଶିଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କ୍ୟାପ୍ସନ୍ ଅପ୍ସନ୍ର ବ୍ୟବହାର ବିଷୟରେ ଶିଖିବା ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ତୁମର କର୍ସର କିମ୍ବା ପଏଣ୍ଟରକୁ ଇନସର୍ଟ ମେନୁକୁ ନେଇକି ଯାଅ ଯେଉଁଭଳି ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଯାଇଛି ଏବଂ ଏଠାରେ କ୍ଲିକ୍ କର ତାପରେ ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ ଏଠାରେ କ୍ୟାପ୍ସନ୍ ଅପ୍ସନ୍ ହାଇଲାଇଟ୍ ହେଉନାହିଁ କାରଣ ତୁମର ଫାଇଲରେ କୌଣସି ଅବଜେକ୍ଟ କିମ୍ବା ଡ୍ରଇଂ ନାହିଁ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଗ୍ୟାଲେରୀ ଅପ୍ସନ୍କୁ ଯାଇ ଗୋଟିଏ ଥର କ୍ଲିକ୍ କର ଏବଂ ଏଇଠାରୁ ତୁମେ କୌଣସି ଅବଜେକ୍ଟ କିମ୍ବା ଡ୍ରଇଂକୁ ଇନସର୍ଟ କରିପାରିବ ଏଠାରେ ସ୍କ୍ରଲ୍ ବାର୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରି ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଥିମ୍ ରହିଛି ଏବଂ ତା ପାଇଁ କିଛି ଚିତ୍ର ରହିଛି ଏବେ ଏଠାରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଅପ୍ସନ୍କୁ ଯାଇ ଏଠାରେ ତୁମେ ସ୍କ୍ରଲ୍ ବାର୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବ ତୁମ ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ କୌଣସି ଚିତ୍ରକୁ ଇନସର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଏବେ ଏଠାରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ କ୍ଲିକ୍ କର ଏହାର ଚିତ୍ରକୁ ଏବଂ ରାଇଟ୍ କ୍ଲିକ୍ କରି ଇନସର୍ଟ ଅପ୍ସନ୍କୁ ଯାଇ କପି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କର ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ ସେହି ଚିତ୍ରଟି ତୁମର ରାଇଟର ଫାଇଲରେ ଆସିଯିବ ଏବେ ଏଥିରେ କ୍ୟାପ୍ସନ୍ ଇନସର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ଇନସର୍ଟ ମେନୁକୁ ଯାଇ ଗୋଟିଏ ଥର କ୍ଲିକ୍ କର ଏହାପରେ ଏଠାରେ କ୍ୟାପ୍ସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କର ତୁମ ଆଗରେ ଗୋଟିଏ ବକ୍ସ ଓପନ୍ ହେବ ଏଇଠାରେ କ୍ୟାପ୍ସନ୍ ଜାଗାରେ ତୁମେ ଏଠାରେ କିଛି ଲେଖିପାରିବ ସେହି ଚିତ୍ର କିମ୍ବା ଅବଜେକ୍ଟ ପାଇଁ ଯେଉଁଭଳି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠାରେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଟାଇପ୍ କରାଯାଇଛି
एबळे भाबरे तुमे इठारे तुमरा चित्र किमा ऑब्जेक्ट पई किछि टेक्स्ट टाइप करि परिबो। एठे टाइप कराई छि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन व्हिच मेक्स आवर वर्क इजियर। एबळे भाबरे तुमे इठारे किछि टाइप करि परिबो। एहा परे तुमे देखि परिबो एहार तळे प्रॉपर्टीज ऑप्शन रही छि जेउथिरे किछि ऑप्शन रही छि जेपर कि कैटेगरी एवं जदि तुमे एथिरे ड्रॉप डाउन आइकन को क्लिक करूछ तेबे तुमे देखि परिबो इठारे विभिन्न प्रकार ऑप्शन रही छि जेभळ कि ड्रॉइंग टेबल टेक्स्ट जेतु आमे गोटे ड्रॉइंग को इनसर्ट करछु ड्रॉइंग को सिलेक्ट करि परिबो एवं परवर्ती ऑप्शन नंबरिंग इठार तुमे देखि परिबो विभिन्न प्रकार ऑप्शन रही छि एठारु तुमे तुम इच्छा मुताबिक गोटे ऑप्शन को सिलेक्ट करि परिबो नंबरिंग पई एवं तार परवर्ती ऑप्शन रही छि सेपरेटर एठार तुमे कोनसे सिंबल किंबा स्पेस दे परिबो जहा कि तळे तुमे तार प्रीव्यू देखि परिबो जे भळि वीडियो रे देखा जाय छि एबळि भाबरे तुमे इठारे कौन सी सेपरेटर पई कौन सी सिंबल दियो एवं इठारे तापरे ओके ऊपर क्लिक करो। तुमे देखि परिबो तुमरा चित्र तळे इठारे कैप्शन एड होई जाय छि जे भळि तुमे वीडियो रे देखि पारु छो एवं जे भळि तुमे सेपरेटर देथिलो किबा कैप्शन एड करथिलो नंबरिंग देथिलो ता इठारे एड होई जाय छि। एबे इठारे गैलरी ऑप्शन को बंद करबा पई इठारे क्लिक करो। एही परि भाबरे तुमे तुमरो राइटर फाइल ले कैप्शन ऑप्शन को व्यवहार करि परिबो। आसो वर्तमान आमे बुकमार्क ऑप्शन विषय रे सिखिबा। कोन तुमे जानिछो आमे बुकमार्क ऑप्शन रा व्यवहार काहे कि करिथाउ। बुकमार्क ऑप्शन गोटिए गुरुत्वपूर्ण ऑप्शन अटे एवं जेमिति कि तुमे गोटिए बही पढ़ुछ सेई परि तुमे मध्य बुकमार्क देई परिबो जेउठारे तुमे तुमर डॉक्यूमेंट को शेषरे पढ़िछ। आसो वर्तमान आमे बुकमार्क को किपरि व्यवहार करबा देखिबा। वर्तमान आमे बुकमार्क एवं क्रॉस रेफरेंस विषय रे सिखिबा। एथि पई तुमे देखि परिबो प्रथमे तुम पाखरे जो राइटर रा फाइल रही छि एथिरे चारोटी पेज रही छि जेंथिरे कि पेज 2 रे किछि पैराग्राफ रही छि एवं तेतल तुमे स्क्रॉल करिबो देखि परिबो पेज 3 रे मध्ये किछि पैराग्राफ रही छि एवं पेज 4 रे मध्ये किछि पैराग्राफ रही छि। या ठीक गोटे बही भळि अटे तुमे जेतळे एथिरे बुकमार्क लगाइबो अर्थात किछि चिन्ह देबा पई चाहिबो। एबे प्रथमे द्वितीय पेज को आसी यार पैराग्राफ को सिलेक्ट करो तापरे इनसर्ट मेनू को जाई क्लिक करो या पर इठारे बुकमार्क ऊपर क्लिक करो। एठार तुमे देखि परिबो बुकमार्क पई इठे किछि टाइप करिया पई आसुछि। इठारे बुकमार्क हिसाब रे तुमे इठारे किछि टेक्स्ट टाइप करि परिबो या परे ओके बटन ऊपर क्लिक करो। या परे परवर्ती पेज अर्थात तृतीय पेज को आसो एवं एहार पैराग्राफ को सिलेक्ट करो। या परे पुनर्बार एवं ता परे इठारे बुकमार्क ऑप्शन को क्लिक करो। एबे इठारे तुम्हें आउ गोटे बुकमार्क दे पाइबो जो भले इठारे टाइप करा जाय छी लिंक अंडरस्कोर 2 यहा परे ओके बटन ऊपर क्लिक करो। एबे सेई परे तुम्हें स्क्रॉल करी परवर्ती पेज को आसो अर्थात चतुर्थ पेज को आसो एवं यार पैराग्राफ को सिलेक्ट करो।
यहाँ परे पुनर्बार इनसर्ट मेनू को जाओ एवं बुकमार्क ऑप्शन को क्लिक करो। एबे इठारे बुकमार्क हिसाब रे इठे टाइप करो लिंक अंडरस्कोर 3 जेउ भली वीडियो तुम्हें देखी पारु छ यहाँ परे ओके बटन उपरे गोटे थर क्लिक करो। एबे तुम्हारा पेज पाई बुकमार्क ऐड करी दी छो। एबे याकु चेक करीबा पाई प्रथमे प्रथम पेज को ऐसे इठारे क्लिक करो। यहाँ परे तुम्हारा कर्सर किंबा पॉइंटर को इंसर्ट मेनू को नहीं गोटे थर क्लिक करो। यहाँ परे इठारे क्रॉस रेफरेंस ऊपर क्लिक करो। तुम अगर गोटे बॉक्स ओपन हेबो जेउठार तुम्हें देखि परिबो विभिन्न प्रकार ऑप्शन रही छि एठारे क्रॉस रेफरेंस रे देर बुकमार्क ऑप्शन को क्लिक करो। तुम्हें देखि परिबो एठारे सिलेक्शन डाहाण पाखरे आसु छि जाके लिंक 1 लिंक 2 लिंक 3 रही छि। एबे लिंक 1 को सिलेक्ट करो एवं इंसर्ट ऊपर क्लिक करो तापरे क्लोज ऊपर क्लिक करो। तुम्हें देखि परिबो एठी दुई लेखा आसु छि अर्थात लिंक 1 रो बुकमार्क टी द्वितीय पेज पई रही छी। एबे सही परी तुम्हें पुनर्बार इंसर्ट मेनू को जाओ तापरे क्रॉस रेफरेंस ऊपर क्लिक करो। एबे इठारे लिंक 2 एहा को सिलेक्ट करो तापरे इंसर्ट ऊपर क्लिक करो। तापरे क्लोज ऊपर क्लिक करो। एठर तुम्हें देखि परिबो 3 आसी छी कारण तृतीय पेज पर लिंक 2 रही छी। एबे पुनर्बार एंटर बटन दबाओ एवं तापरे इंसर्ट मेनू को जाओ एवं एठारे पुनर्बार क्रॉस रेफरेंस ऊपर क्लिक करो। एबे एठार तुम्हें लिंक 3 को सिलेक्ट करो तापरे इंसर्ट ऊपर क्लिक करो तापरे क्लोज ऊपर क्लिक करो। एबे तुम्हें देखि परिबो इठारे 4 लेखा आछि 2 3 4 अर्थात तुम्हें या ऊपर हाथ जतबेले तुम्हें या ऊपर तुम्हारा कर्सर नेबो तुम्हें देखि परिबो गोटे हाथ चिन्ह आसुछि एवं यदि तुम्हें सही लिंक ऊपर क्लिक करछो तेबे तुमको तुम्हारा कर्सर को सही जगह को नहीं जीवो जेउ पैराग्राफ किंबा पेज पई तुम्हें बुकमार्क सेट करिछो जे 3 ऊपर क्लिक करछो तुम्हें देखि परिबो तृतीय पेज पई नहीं जाउछि। लिंक 2 ऊपर क्लिक करले एटा तृतीय पेज पई आसी जाउछि। से पई जे तुम्हें लिंक 3 अर्थात 4 नंबर ऊपर क्लिक करछो तेबे तुम्हें या चतुर्थ पेज को नहीं जाउछि। एही परि भाबरे तुम्हें बुकमार्क सेट करि परिबो। परवर्ती ऑप्शन टेक्स्ट फ्रेम रो अटे। कोन तुम्हें जानी छो आमे टेक्स्ट फ्रेम रो व्यवहार काहे की करी थाउ। टेक्स्ट फ्रेम टेक्स्ट बॉक्स भली काम करी थाए एवं एहा गोटिए बॉक्स रे आसी थाए जेउ थेरे तुम्हें टाइप करी परिबो एवं बॉक्स रे लाइन को चेंज करी परिबो एवं टेक्स्ट फ्रेम रे आहुरी मध्य बहुत काम करी परिबो। टेक्स्ट फ्रेम विषय रे अधिक जानिबा पई आस एही वीडियो को देखिबा। वर्तमान आमे टेक्स्ट फ्रेम ऑप्शन विषय रे सिखिबा। एथि पई प्रथमे तुम्हें तुम्हार कर्सर किंबा पॉइंटर को इंसर्ट मेनू को लेकिन जाओ एवं गोटे थर क्लिक करो। तापरे एठारे फ्रेम ऑप्शन को क्लिक करो। यहाँ द्वारा तुम अगर गोटे बॉक्स ओपन हेबो जो भली वीडियो देखा जाइछि एठारे विभिन्न प्रकार ऑप्शन रहिछि जो मले के टाइप रे प्रथम एठारे तुम्हें रिलेटिव किंबा ऑटोमेटिक विड्थ को सिलेक्ट करि परिबो हाइट को सिलेक्ट करि परिबो एवं ऑप्शन को जाई तुम्हें इठारे तुम्हारा फ्रेम पई किसी नाम दे परिबो जो भली वीडियो देखा जाइछि
एवं तुम्हारा टेक्स्ट फ्रेम को प्रोटेक्ट मध्य करिया पई एठारे क्लिक करि परिबो। से बोली रैप को जाई तुम्हें एठारे स्पेसिंग दे परिबो, जो बोली एठारे विभिन्न प्रकार ऑप्शन तुम्हें देखि परिबो, या को सिलेक्ट करि परिबो जे कोनसी स्पेसिंग को। या परे तुम्हें ओके बटन को प्रेस करि परिबो। से बोली परवर्ती ऑप्शन रही छि हाइपरलिंक, एठारे क्लिक करी तुम्हें कौनसी हाइपरलिंक रे फाइल को ऐड करी परिबो। जदि फाइल को ऐड करिया पई चाहिबो ब्राउज ऊपर क्लिक कर, तुम आगे आ गोटे बॉक्स ओपन हेबो, एठारे तुम्हें तुम्हार फाइल को ऐड करिबा पई हाइपरलिंक रे एठारे कौनसी फाइल को तुम्हें सिलेक्ट करी परिबो। जेम भले एठारे गोटे फाइल को सिलेक्ट करा जाय छि ए न्यू फाइल टी को, तापरे ओपन ऊपर क्लिक कर, यहाँ द्वारा यही फाइल टी हाइपरलिंक रे ऐड हो जिबो। तापर तुम्हें ओके बटन को प्रेस करी परिबो। से भले बॉर्डर ऊपर क्लिक करी तुम्हें इठारे बॉर्डर दे परिबो, विभिन्न प्रकार इठारे बॉर्डर ऑप्शन रही, बॉर्डर लाइन रो स्टाइल एवं तार थिकनेस रही एवं कलर रही, तुम्हें इठारे कलर को सिलेक्ट करी परिबो जेकोणसी कलर को। सही परी तुम्हें बैकग्राउंड को जाई बैकग्राउंड कलर को मध्य चेंज करी परिबो, एठारे विभिन्न कलर मध्य जेकोणसी कलर को बाछी परिबो एवं ता परे ओके बटन को गोटे थर क्लिक कर। तुम्हें देखि परिबो तुम्हारा फाइल ले गोटे टेक्स्ट फ्रेम आसी जाई छी, जो मोर तुम्हें देखि पारछो एवं या ऊपर क्लिक कले तुम्हें देखि परिबो एठारे तुम्हें किछि टाइप करिया पई आसु नाही, कारण तुम्हें यहाँ प्रोटेक्ट कर रखीछ एवं इठारे हाइपरलिंक रो फाइल आसुची, जेटे क्लिक करिबो तुम्हें देखि परिबो इठारे कोनसी चेंजेस करिया पई ऑप्शन आसु नाही, कारण तुम्हें प्रोटेक्ट कर रखीछ। जदि यहाँ अनप्रोटेक्ट करिया पई चाहिबो एवं जदि यहाँ पर तुम्हें फाइल को ओपन करिया पई चाहिबो हाइपरलिंक फाइल को, कंट्रोल बटन को दबाई रखी या पर गोटे थर लेफ्ट क्लिक कर, यह द्वारा हाइपरलिंक रो फाइल ओपन हो जिवो जहाँ को तुम्हें हाइपरलिंक रे ऐड करिथिलो, जो भले तुम्हें वीडियो रे देखि पारुछो। एबे या मध्ये रे टेक्स्ट टाइप करिबा पई प्रथमे या को सिलेक्ट करो, तापर इनसर्ट मेनू को जाओ, या पर फ्रेम ऑप्शन को जाओ, या पर ऑप्शन को जाई एठारे प्रोटेक्ट को अनसिलेक्ट करो, तापर ओके बटन को गोटे थर प्रेस कर। एहा परे तुम्हें देखि परिबो एहा मध्यरे टाइप करिबा पई एठारे कर्सर आसुची एवं तुम्हें या मध्यरे टाइप करि परिबो, जो भली तुमको वीडियो रे देखा जाइछि एभली तुम्हें एठारे टाइप करि परिबो एवं हाइपरलिंक रो फाइल को मध्य ओपन करी चेक करि परिबो। जदि तुम्हारा पाराग्राफ रे किंबा लाइन को तुम्हें टेक्स्ट फ्रेम द्वारा ऐड करिबा पई चाहूछ, तेबे तुम्हें तुम्हारा पाराग्राफ किंबा लाइन को प्रथमे सिलेक्ट कर, जो भली वीडियो रे देखा जाइछि, यहाँ पर तुम्हारा कर्सर को इनसर्ट मेनू को नियो, तापर फ्रेम ऑप्शन को सिलेक्ट कर। एबे इठारे रैप को सिलेक्ट करि परिबो, इठारे जे कोनसी गोटे रैप को तुम्हें सिलेक्ट करि परिबो एवं बॉर्डर ऑप्शन को जाई तुम्हें इठारे बॉर्डर दे परिबो तुम्हें चाहूथिबा अनुजाई, कॉलम ऑप्शन को जाई तुम्हें इठारे विभिन्न प्रकार कॉलम मध्यरो जे कोनसी गोटे को सिलेक्ट करि परिबो, वन कॉलम किंबा टू कॉलम एवं यहाँ पर ओके ऊपर क्लिक कर। तुम्हें देखि परिबो तुम्हें सिलेक्ट करथिबा लाइन किंबा पैराग्राफ एठार आसी जाइछि टेक्स्ट फ्रेम भितर, या को तुम्हें जेकोणसी जगह को नहीं परिबो एवं तुम्हारा संपूर्ण पैराग्राफ ए टेक्स्ट फ्रेम मध्ये आसी जाइछि। एही भली भाबरे तुम्हें टेक्स्ट फ्रेम ऑप्शन को व्यवहार करि परिबो। आसो वर्तमान एनवेलप ऑप्शन विषय शिखिबा। एनवेलप ऑप्शन साहाज्य रे तुम्हें गोटे एनवेलप तैयारी करि परिबो, जेउ थेरे तुम्हें सेंडर
अर्थात पठाउथिबा व्यक्ति किंबा रिसीवर अर्थात पाउथिबा व्यक्तिंकर एड्रेस अर्थात ठिकणा रखि परिबो एवं तापरे तुमे ताहाकु प्रिंट करि परिबो। आस वर्तमान एही वीडियो को देखिबा एवं एनवेलप को किपरि तयारी करा जाय सिखिबा। वर्तमान आमे एनवेलप ऑप्शन रो व्यवहार किपरि करा जाय ताहा सिखिबा। एथि पई प्रथमे तुम्हारा कर्सर किंबा पॉइंटर को इनसर्ट मेनू को नेकि जाओ एवं गोटे थरो क्लिक करो। तापरे एउटर थिबा एनवेलप ऑप्शन उपरे गोटे थरो क्लिक करो। या द्वारा तुम आगर गोटे पेज ओपन हेबो। एठर तुम्हें देखि परिबो विभिन्न प्रकार ऑप्शन रहिछि। प्रथम ऑप्शन एनवेलप रहिछि जेउठारे तुम्हें देखि परिबो प्रथम एड्रेस रहिछि जहां को तुम्हें पठाय पई चाहुछो। तुम्हें एठारे जहां को तुम्हें पठाय पई चाहुछो तांकर एड्रेस एठारे टाइप करि परिबो एवं तळे रहिछि सेंडर अर्थात जिए पठौछन्ति तांकर एड्रेस। जे तुम्हें एहा को पठाउछो तबे तुम्हारा एड्रेस एवं एहार प्रीव्यू एठारे देखाउछि। एबे तुम्हें जहां को पठाय पई चाहुछो तांकर एड्रेस एठारे टाइप करि परिबो। जेउ भळि वीडियो रे वर्तमान एठारे गोटे एड्रेस टाइप करा जायछि एभळि भाबरे तुम्हें एठारे गोटे एड्रेस टाइप करि परिबो एवं मने रखिबो तुम्हें एही एड्रेस सठिक देबो। कारण जदि एड्रेस सठिक न होउछि तेबे तुम्हें जहां को या पठाय पई चाहुछो एनवेलप ताहा तांको पाखरे पहुंचिबो नाही। तेणु सठिक एड्रेस तुम्हें टाइप करि पाइबो। एही भली भाबरे टाइप कर जे भली वीडियो रे टाइप करा जाइछि एठारे तुम्हें टाइप करि देखि पारिबो। एही भाबरे टाइप कर एठारे जे भली कोटे एड्रेस टाइप करा जाइछि कंप्यूटर शिक्षा G576 फ्लोरेंस होम्स सुशांत लॉक 2 सेक्टर 57 एवं तुम्हें स्क्रॉल बार को व्यवहार करी या को ऊपर को किंबा तळ को किंबा बाम को किंबा डाहाण को दे देखि परिबो। एबळे आबर एटा टाइप करो गुरगांव एवं संपूर्ण एड्रेस एटा टाइप करि परिबो जों भळे तुम्हें वीडियो रे देखि परुछो। एबळे आबर एटा तुम्हें एड्रेस संपूर्ण टाइप करो। या परे एड्रेस टाइप करबा परे तुम्हें एठा तळे देखिबो विभिन्न प्रकार ऑप्शन रहिछि। एठारे सेंडर रो एड्रेस रहिछि अर्थात जेहेतु तुम्हें पठाउछ तुम्हारा एड्रेस एठा तुम्हें एड्रेस तुम्हारा टाइप करि परिबो एवं तार प्रीव्यू एठा तुम्हें देखि परिबो एनवेलप रो प्रीव्यू किपर रहिबो। एवं यहाँ पर एठारे इनसर्ट उपरे क्लिक करो। या द्वारा तुम्हें देखि परिबो एठारे एनवेलप आसी जाइछि जहाँ को तुम्हें प्रिंट करि परिबो। एही परि भाबरे तुम्हें एनवेलप ऑप्शन रो व्यवहार करि परिबो। परवर्ती ऑप्शन होराइजोंटल रूलर रो अटे। कौन तुम्हें कहि परिबो होराइजोंटल रूलर को आमे काहे कि व्यवहार करिथाउ। हॉरिजॉन्टल रूलर रो साहाज्य रे तुम्हें अलग अलग स्टाइल रे तुम्हारा पेज रे बहुत प्रकार लाइन इनसर्ट करि परिबो। जदि तुम्हें चाहिबो सही लाइन को टेक्स्ट रो तळे हेडिंग भली मध्यम व्यवहार करि परिबो। हॉरिजॉन्टल रूलर विषय रे
अधिक जानिबा पई आस वर्तमान एही वीडियो को देखिबा। वर्तमान आमे होराइजोंटल रूलर ऑप्शन रो व्यवहार किपरि करा जाय ताहा देखिबा। एथि पई प्रथमे तुम्हें तुम्हारा कर्सर किंबा पॉइंटर को सही जागारे रखो जेऊ जागारे तुम्हें रूलर को इंसर्ट करिबा पई चाहुछो सेठरे क्लिक करो। एहा परे तुम्हारा कर्सर किंबा पॉइंटर को इंसर्ट मेनू को नै गटे थरो क्लिक करो। एहा परे एठर थिबा होराइजोंटल रूलर ऑप्शन पाखो को तुम्हारा कर्सर नियो। एहा परे सेठरे गटे थरो क्लिक करो। तुम आगरे गटे बॉक्स ओपन हेबो जेउ थरे तुम्हें देखि परिबो विभिन्न प्रकार रो रूलर रही को स्क्रॉल बार को व्यवहार कर तुम्हें चेक कर पार विभिन्न प्रकार रूलर रही तुम्हें ये तुम इच्छा मुताबिक जेकोसी गोटे रूलर को सिलेक्ट कर पार यापर ओके ऊपर क्लिक करो। तुम्हें देखिपर तुम्हार कर्सर जो जगार रही जगार गोटे रूलर इनसर्ट हो जो भि तुम्हें बर्तमान भिडियो देखिपार सेपरी तुम्हें चाहिले अन्य जेकोसी जगार रूलर को इनसर्ट कर जो जगार तुम्हें रूलर को इनसर्ट करने चाहछ से तुम कर्सर को रख जो भाई कर्सर को बर्तमान रखा जापर पुनर्बार इनसर्ट मेनू को जाओ तापर पुनर्बार होराइजोंटल रूलर ऑप्शन को गोटे थर क्लिक कर। एबे एही बॉक्स मध्यरु तुम्हें जेकोसी गोटे रूलर को सिलेक्ट करो तापर ओके बटन को क्लिक कर। तुम्हें बर्तमान देखिपर से ही जगार आ गोटे रूलर इनसर्ट हो पुनर्बार यार तुम कर्सर को रख तापर पुनर्बार इनसर्ट मेनू को जाओ एवं गोटे थर क्लिक कर। यापर पुनर्बार होराइजोंटल रूलर ऑप्शन पाख को नियो तुम्हारा कर्सर को एवं गोटे थर क्लिक कर। वर्तमान एठार तुम्हें स्क्रॉल बार को व्यवहार करी अन्य जेकोसी गोटे रूलर को सिलेक्ट करी परिबो तापर ओके बटन को क्लिक कर। तुम्हें देखि परिबो तुम्हें जो जगार तुम्हारा कर्सर को रखी थिलो सेठारे रूलर इनसर्ट हो जाइछि एवं तुम्हें पेज को ऊपर को किमा तल को करी देखि परिबो तुम्हें जो जगार रूलर को इनसर्ट करिछो। एइबोले भाबरे तुम्हें होराइजोंटल रूलर ऑप्शन को व्यवहार करि परिबो। परवर्ती ऑप्शन मूवी एंड साउंड रो अटे। एही ऑप्शन रो व्यवहार करी तुम्हें तुम्हारा राइटर पेज रे गोटे चित्र किंबा फिल्म एवं गीत को इनसर्ट करि परिबो एवं ताहाकु व्यवहार करि परिबो। मूवी एंड साउंड ऑप्शन विषय रे अधिक सिखिबा पाई एही वीडियो को मन दे सिखो। वर्तमान मूवी एंड साउंड ऑप्शन रो व्यवहार करिबा पाई प्रथमे तुम्हें तुम्हारा कर्सर किंबा पॉइंटर को सही जगार रख जो जगार तुम्हें कौनसी मूवी किंबा कौनसी साउंड को इनसर्ट करिबा पाई चाहुछ। एहा परे तुम्हारा कर्सर किंबा पॉइंटर को इनसर्ट मेनू को नहीं क्लिक कर। एहा परे एठार थिबा मूवी एंड साउंड ऑप्शन पाखो को तुम्हारा कर्सर नहीं गोटे थर क्लिक कर। तुम आगे गोटे बॉक्स ओपन हेबो जो भाई वीडियो रे देखा जाइछि एठारे तुम्हारा फाइल केउठारे अछि ताइठारे सिलेक्ट करि परिबो एठारे ऊपर ड्रॉप डाउन आइकन को क्लिक करी किंबा जेउठारे तुम्हारा मूवी किंबा कोनोसी गीत रहिछि ताकु सिलेक्ट कर जो भाई एठारे वीडियोज को सिलेक्ट करा जाइछि तापर एठारे गोटे वीडियो इठार अच्छी या सिलेक्ट कर। यह भाव में तुम्हारा वीडियो किंबा गीत को इठार सिलेक्ट करपर ओपन उपर क्लिक कर। तुम्हें देखिपर जो भाई वीडियो रे देखा जाइछि तुम्हारा राइटर फाइल
ता एठारे इंसर्ट होई जाइछि एवं जदि तुमे कोनोसी गीत को इंसर्ट करिया पई चाहौछो तबे एठारे इंसर्ट मध्य करि परिबो एवं जदि याको तुमे चालू करिया पई चाहौछो ई वीडियो को तबे या ऊपर गोटे थरो क्लिक करो एवं ता परे एठारे तळे तुमे देखि परिबो एठारे याको प्ले करिबा पई ऑप्शन आसुछि या ऊपर क्लिक करी तुमे याको चालू करि परिबो जो भले तुम्हें वीडियो रे देखी पारुछो एवं तुम्हें अन्य कोनोसी साउंड किंबा कोनोसी वीडियो को इंसर्ट मध्य करी परिबो एई भले भाबरे तुम्हें मूवी एंड साउंड ऑप्शन को व्यवहार करी परिबो परवर्ती ऑप्शन फाइल रो अटे कोन तुम्हें कही परिबो फाइल ऑप्शन द्वारा कोन होई थाए फाइल ऑप्शन रो सहाय्य रे तुम्हें तुम्हारा पेज रे जे कोनोसी फाइल को इंसर्ट करी परिबो एवं तुम्हें मध्य फाइल रु सूचना किंबा टेक्स्ट को तुम्हारा राइटर पेज रे पाई परिबो वर्तमान आमे फाइल ऑप्शन रो व्यवहार सिखिबा फाइल ऑप्शन द्वारा तुम्हें तुम्हारा वर्तमान रो राइटर फाइल ले अन्य कोनोसी फाइल रो डाटा को इंसर्ट करी परिबो जेउ जागा रे तुम्हें ताहा को चाहू छो एथि पई तुमको सही जागा रे तुम्हारा कर्सर को रखिया पई हेबो या परे तुम्हारा कर्सर को इंसर्ट मेनू को नै क्लिक करिया पई हेबो या परे फाइल लेखा जैतिबा ऑप्शन उपरे गटिय थरो क्लिक करो जेउ भली वीडियो रे देखा जाई छी या परे तुम आगर एकटे बॉक्स ओपन हेबो एई थारु तुम्हारा फाइल जेउ ठारे रही छी ता को एई थारु तुमको सिलेक्ट करिया पई हेबो जदि या डेस्कटॉप रे रही छी डेस्कटॉप को सिलेक्ट करो या परे तुम्हें इंसर्ट करिया पई चाहुतिबा फाइल को एई थारु सिलेक्ट करो जेउ भले एठारे न्यू फाइल टी को सिलेक्ट करा जाई छी ता परे ओपन उपरे क्लिक करो तुम्हें देखि परिबो सेही फाइल रो डाटा तुम्हारा वर्तमान रो फाइल ले अटैच होई जाई छी जेउ भले तुम्हें वीडियो रे देखि परु छो एही भली भाबरे तुम्हें फाइल ऑप्शन रो व्यवहार करि परिबो आसो वर्तमान फॉर्मेट मेनू रो ऑप्शन गुड़ी का विषय रे सिखिबा आरंभ करिबा परवर्ती ऑप्शन ऑटो करेक्ट रो अटे कोन तुम्हें जानी छो ऑटो करेक्ट ऑप्शन द्वारा कोन होई थाए ऑटो करेक्ट द्वारा तुम्हें भूल रे टाइप होइतिबा कोनसी शब्द गुड़ी को ठीक करी परिबो जेहेतु ऑटो करेक्ट ऑप्शन रे भूल रे टाइप होइतिबा शब्द पई बहुत प्रकार रो ऑप्शन रही थाए एवं तुम्हें सेथिरु सठिक को बाछी परिबो एही वीडियो रे ऑटो करेक्शन ऑप्शन रो व्यवहार विषय रे देखा जाय अछि वर्तमान आमे ऑटो करेक्ट ऑप्शन रो व्यवहार करिबा ऑटो करेक्ट ऑप्शन रे जदि तुम्हें कोनोसी शब्द को भूल टाइप करिथाओ ताकु ऑटो करेक्ट रे ठीक करा जाई परिथाय एथि पई प्रथमे तुम्हें इठारे तुम्हारा कर्सर को रखो जेउठारे जे तुम्हें किछ वर्ड टाइप करिया पई चाहू छो तापरे फॉर्मेट मेनू को जाय गटे थरो क्लिक करो या परे एठारे ऑटो करेक्ट ऑप्शन पाखो को जाय व्हाइल टाइपिंग ऑप्शन को क्लिक करो अर्थात जेतेबेले तुम्हें टाइप करिवो यह ऑटो करेक्ट हेबो एबे पुनर्बार फॉर्मेट मेनू को जाओ तापरे ऑटो करेक्ट ऑप्शन को जाओ तापरे याकू अप्लाई करिवा पई अप्लाई ऊपर क्लिक करो एबे तुम्हें किछ टाइप करी ताकु सठिक करि परिबो एठारे फॉर्मेट मेनू को पुनर्बार जाओ एवं ऑटो करेक्ट ऑप्शन को जाओ एठारे ऑटो करेक्ट ऑप्शन ऊपर क्लिक करो तुम्हें एठारे प्रथम ऑप्शन रहिछि रिप्लेस रो एठारे क्लिक करी तुम्हें देखि परिबो विभिन्न प्रकार एठारे पूर्वरो शब्द रहिछि जाकु तुम्हें भूल ले टाइप कले ता सठिक होइ जइबो जेमति कि अबाउट
एबे याको देखिबा एतिमे याको प्रथमे क्लोज कर एवं एठारे भूल ले तुमे किछि जे भूल टाइप करछो जदि रे स्मॉल ए बी ओ यू टी लेखुछो एवं स्पेस देउछो या सटीक होइ जिवो एवं ए कैप्स होइ जिवो जे भले तुमे वीडियो देखि पारछो सेइ भले अन्य ऑप्शन देखिया पई तुमे पुनर्बार फॉर्मेट मेनू को जाओ जे भले वीडियो देखा जाय छि एवं ऑटो करेक्ट ऑप्शन को जाई ऑटो करेक्ट ऑप्शन को क्लिक करो एटर तुमे देखि परिबो आउरी अनेक मध्य शब्द रही छि जे भले केठा रही छि ए सी एन जे तुमे टाइप करछो ता सी ए एन कैन होई जिवो एबे आकु देखिबा याकु बंद करो एबे इठारे ए सी एन टाइप करो एवं स्पेस दियो एबे तुमे देखि परिबो एटा चेंज होई सी ए एन होई जिवो कैन होई जिवो कारण ए शब्द पूर्व रही छि ऑटो करेक्ट रे से भले पुनर्बार फॉर्मेट मेनू को जाओ एवं तापरे ऑटो करेक्ट ऑप्शन को जाई इठारे ऑटो करेक्ट ऑप्शन को क्लिक करो तुमे एठारे आहुरी अनेक शब्द बा देखि परिबो जे गुडी को इठारे रही छि पूर्वरु एवं ताक तुमे इठारे व्यवहार करि परिबो जदि इठारे तुमे एक्रॉस टाइप करूछो भूल ले तेबे ता एक्रॉस होई जिवो एवं जदि मने रखिबो जदि कोनोसी तुमे शब्द स्पेस देबा परे सटीक हेउ नाही तेबे तुमे देखि परिबो जों भली वर्तमान वीडियो रे देखा जाय छि इटारे स्पेस देले एही शब्द रो तळे गोटे लाल कलर रो बंका गारो आसी जिवो जहाँ को तुमे स्पेल चेक रे जाई या को सटीक करि परिबो एबे पुनर्बार फॉर्मेट मेनू को जाओ तापरे ऑटो करेक्ट ऑप्शन को जाओ एबे इठारे ऑटो करेक्ट ऑप्शन को क्लिक करो एबे इठारे तुम्हें रिप्लेस मध्य चेक करि परिबो इठारे रिप्लेस रे तुम्हें देखि परिबो इठारे किछि तुम्हें शॉर्टकट देई परिबो तुम बोलि के इठारे टाइप करा जाय छि वर्तमान वीडियो रे सी एस कैपिटल सी स्मॉल एस टाइप करा जाय छि एवं एहाकु रिप्लेस करा जिवो केउथरे एठारे रिप्लेस विथ एठारे तुम्हें टाइप करि परिबो जे भले एठारे वीडियो रे टाइप करा जाय छि कंप्यूटर शिक्षा या परे एठारे न्यू उपरे क्लिक करो जहा द्वारा या एड होई जिवो एबे एठारे ओके उपरे क्लिक करो एबे जदी तुम्हें तुम्हारा फाइल रे एठारे सही शॉर्टकट टाइप करूछो जेमती गठे सी एस टाइप करा जाय छि तापर स्पेस देउछो तेबे या परिवर्तन होई जिवो अर्थात रिप्लेस होई जिवो कंप्यूटर शिक्षा को एही परि भाबरे तुमे ऑटो करेक्ट ऑप्शन रो व्यवहार करि परिबो परवर्ती ऑप्शन अरेंज रो अटे आसो वर्तमान देखिबा अरेंज ऑप्शन द्वारा कौन होई थाए कौन तुमे कहि परिबो अरेंज ऑप्शन काहे की व्यवहार करा जाए अरेंज ऑप्शन सहाय्य रे तुमे तुम्हारा चित्र को अरेंज करि परिबो जदि तुमे चाहिबो चित्र को तुम्हारा टेक्स्ट रो पछरे देई परिबो किंबा टेक्स्ट को चित्र रो आगो को मध्य आनी परिबो अरेंज ऑप्शन रो व्यवहार विषय रे बुझिबा पाई एही वीडियो को देखो वर्तमान आमे अरेंज ऑप्शन रो व्यवहार करिबा एहा मुख्यतः ऑब्जेक्ट किंबा ड्राइंग उपरे व्यवहार करा जाय थाए एथि पई तुम्हारा कर्सर को ड्राइंग टूल बार को आनी रेक्टेंगल ऑप्शन को सिलेक्ट करो जे भली वीडियो रे देखा जाय छि एहा परे तुम्हारा टेक्स्ट रो उपरे गोटे रेक्टेंगल तैयारी करो जो भली वीडियो रे देखा जाय छि एबे तुम्हें देखि परिबो एही रेक्टेंगल तळे जों टेक्स्ट अछि ता देखा जाउ नाही एबे तुम्हारा कर्सर किंबा पॉइंटर को फॉर्मेट मेनू को लेके जाओ एवं गोटे थर क्लिक करो यहाँ परे एठारे अरेंज ऑप्शन उपरे
तुम्हारा कर्सर नियो तुम्हें देखी परिवे विभिन्न प्रकार ऑप्शन रही शेष ऑप्शन टू बैकग्राउंड यह सिलेक्ट कर यह द्वारा तुम्हें देखी पार रेक्टांगल टी बैकग्राउंड को चली जाइछि एवं टेक्स्ट गुड़िक देखा जाउछि। एबे पुनर्बार तुम्हें तुम्हारा कर्सर किंबा पॉइंटर को फॉर्मेट मेनू को नियो तापर अरेंज ऑप्शन को जाओ एबे इठारे टू फोरग्राउंड को सिलेक्ट करो। यह द्वारा तुम्हें देखी पार पुनर्बार रेक्टांगल टी ऊपर को आसी जाइछि एवं टेक्स्ट गुड़िक देखा जाऊना। यही भाव में तुम्हें अरेंज ऑप्शन को व्यवहार करिपर। वर्तमान तुम्हें फ्लिप विषय शिखब कौन तुम्हें कहीपर फ्लिप्र व्यवहार द्वारा कौन होता है। फ्लिप्र व्यवहार कर तुम्हें तुम चित्र को रोटेट करिपर अर्थात बुलाई पार चित्र को हराइजोंटाली किंबा वर्टिकली रोटेट करि परिबो अर्थात बुलाई परिबो। फ्लिप ऑप्शन रो व्यवहार विषय जानिबा पई एही वीडियो को देखो। वर्तमान आमे फ्लिप ऑप्शन रो व्यवहार किपरि करा जाय ताहा देखिबा। एथि पई प्रथमे तुम्हें गोटिए ऑब्जेक्ट किंबा कोनोसी ड्राइंग को इंसर्ट करो। एथि पई प्रथमे तुम्हें तुम्हारा कर्सर को गैलरी ऑप्शन को नहीं क्लिक करो। यहाँ पर एठार थिबा जे कोनोसी ऑब्जेक्ट किंबा कोनोसी थीम रु तुम्हें कोनोसी चित्र को इंसर्ट करो। एबे इठारे इठारे एबे स्कूल एंड यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करो। तापर इठारे गोटे चित्र को इनसर्ट कर जो भाई वीडियो इठारे इनसर्ट एवं तापर कॉपी करा जाइछि तुम्हें देखिपर से चित्रटी इठारे तुम्हारा राइटर फाइल ले आसी जाइछि। एबे गैलरी ऑप्शन को क्लोज कर दियो। एबे एही चित्र को तुम्हें रिसाइज करि परिबो एटर थिबा ग्रीन डॉट पाखरे तुम्हारा कर्सर को रखी बाम बटन को दबाई रखी या को छोट करि परिबो जेतु या बड़ा पिक्चर टी इंसर्ट होइछि तेणु या को रिसाइज करी या को छोट कर दियो। एबे एही चित्र टी को फ्लिप ऑप्शन रो व्यवहार करिबा पई प्रथमे फॉर्मेट मेनू को जाए क्लिक करो। तापर फ्लिप ऑप्शन को तुम्हारा कर्सर नियो। एबे जे तुम्हें फ्लिप वर्टिकली क्लिक करुछ तेबे तुम्हें देखि परिबो तुम्हारा चित्रटी वर्टिकली बुली जाइछि। से भली पुनर्बार फॉर्मेट मेनू को जाओ एवं फ्लिप ऑप्शन को जाई जदि पुनर्बार फ्लिप हॉरिजॉन्टली क्लिक करुछ तेबे तुम्हें देखि परिबो या हॉरिजॉन्टली बुली जाइछि। से भली पुनर्बार फॉर्मेट मेनू को जाओ एवं एठारे फ्लिप ऑप्शन को जाई फ्लिप वर्टिकली को क्लिक करो। तुम्हें देखि परिबो या पुनर्बार पूर्व अवस्था को आसी जाइछि। एही भली भाबरे तुम्हें फ्लिप ऑप्शन रो व्यवहार करि परिबो। परवर्ती ऑप्शन जहाँ विषय तुम्हें शिखिबो ताहा ग्रुप ऑप्शन अटे। कौन तुम्हें कहि परिबो ग्रुप ऑप्शन द्वारा कौन होता है। ग्रुप ऑप्शन द्वारा तुम्हें तुम चित्र गुड़ी को ग्रुप करी किंबा सही चित्र गुड़ी करो ग्रुप तैयारी करी परिबो एवं तापरे ताहा को सिलेक्ट करी परिबो एवं गोटे ग्रुप भली स्थानांतरण करी परिबो। आसो वर्तमान यही वीडियो को देखिबा एवं ग्रुप ऑप्शन विषय अधिक शिखिबा। वर्तमान ग्रुप ऑप्शन रो व्यवहार करिबा पई प्रथमे तुम्हें गोटे नुआ राइटर फाइल लियो। एथि पई तुम्हारा कर्सर को फाइल मेनू को नियो एवं गोटे थर क्लिक करो। तापरे सेठारे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ऊपर क्लिक करो। एठारे तुम आगे गोटे नुआ राइटर फाइल आसीजिव जो भाई वीडियो देखि पारुछ। एबे इठारे ड्राइंग टूल बारे रेक्टांगल को क्लिक करो एवं इठारे गोटे रेक्टांगल तैयारी करो। तापरे इठारे आउ गोटे चित्र तैयारी करो जो भाई वीडियो देखा जाइछि। एबळी इठारे
चित्र तैयारी कर तुम राइटर फाइल ले इटारे तुम्हें स्माइली सिंबल नहीं पार एवं ये तैयारी कर। वर्तमान तुम्हें देखिपर जदि तुम्हें कौन सी चित्र को सिलेक्ट करुछ तेबे गोटे चित्र ही सिलेक्ट हेबो जो भाई तुम्हें भिडियो देखिपार एवं यहाँ संपूर्ण एकाथरे सिलेक्ट करने प्रथमे तुम्हें शिफ्ट बटन को दबाई रखी यही तीनो को गोटे गोटे थरे क्लिक कर जहाद्वारा यह तीनो सिलेक्ट हो फॉर्मेट मेनू को जाओ एवं ग्रुप ऑप्शन को जाई ग्रुप ऊपर क्लिक कर यहाद्वारा यही तीनो चित्र ग्रुप होते तुम्हें यह सिलेक्ट कर तुम्हें यहाँ क्यों जगह को नेब यह तीनो एका सहित जीव जो भाई तुम्हें भिडियो देखिपार एवं जब तुम्हें एथिरे कौन सी फॉर्मेटिंग कर सामान फॉर्मेटिंग हेबो जपरिक जदि तुम्हें यार आउटलाइन चेंज करने चाहब तेब जदि यठार तुम्हें तार आउटलाइन चेंज करोसी तेरे तीनो आउटलाइन सामान थिकनेस बढ़ावा चाहिए सामान थिकनेस बढ़ कलर चेंज कले कलर मध्य सामान चेंज हेबो जो भाई भिडियो देखिपार यठार तुम्हें जेकोसी परिवर्तन करिवो तीनोटी सामान हेबो कारण यही तीनो गोटे ग्रुप रे रही ग्रुप रु हटाया चाहिए तेरे तुम्हें यहाँ पर गोटे थर क्लिक कर तापर फॉर्मेट मेनू को जाई गोटे थर क्लिक कर यापर ग्रुप ऑप्शन को जाई एठारे अन ग्रुप ऑप्शन ऊपर क्लिक कर यह द्वारा यह ग्रुप रु हटि जीव तापर तुम्हें गोटे गोटे कर चेक करिपर एवं ताकू अन्य स्थान को मध्य नहीं पार जो भाई तुम्हें भिडियो देखिपार यही भाव में तुम्हें ग्रुप ऑप्शन रो व्यवहार करिपर। आज क्लास यही शेष हला तुम्हें तुम फाइल को बंद कर एवं तुम कंप्यूटर को सठिक भाव में बंद कर। आज क्लास रे तुम्हें इनसर्ट मेनू एवं फॉर्मेट मेनू रो किछि ऑप्शन गुड़िक विषय शिखिल जो गुड़िक हेउछि फॉर्मेटिंग मार्क सेक्शन फुटनोट एवं एंड नोट कैप्शन टेक्स्ट फ्रेम होराइजोंटल रूलर फाइल मूवी एंड साउंड सेक्शन ऑटो करेक्ट अलाइनमेंट अरेंज फ्लिप एवं ग्रुप विषय में शिखिल। कंप्यूटर शिक्षा को सहयोग करिछंती
एवं जदि या पुनर्बार